इंडिया में अगर आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें सेक्शन 45 और 41 अप्लाई जरूर होता है। सो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपकी पॉलिसी को कैसे अफेक्ट करते हैं और आपके लिए जानने क्यों जरूरी है। मैं सेक्शन 45 के बारे में बात करूंगी। अगर कंपनी को कहीं भी लगता है कि जो पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, उन्होंने कुछ भी डिटेल छिपाई है या कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत दी है या कहीं पे भी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, ऐसा कुछ भी अगर उनको लगता है, कोई भी डाउट होता है, तो 3 साल के अंदर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है। लेकिन 3 साल के बाद ये राइट इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं होता है। 3 साल कौन से होंगे? ये 4 डेट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या तो ये डेट ऑफ इश्यूएंस, पॉलिसी इश्यू जब होती है उसकी डेट से, या फिर जो रिस्क है उस जब स्टार्ट होता है। रिस्क कब स्टार्ट होता है? तो ऐसा नहीं है कि आज आपने पेमेंट कर दी है तो रिस्क आपका स्टार्ट हो गया है, मीन्स आपका कवर स्टार्ट हो गया है। हो सकता है कि अंडरराइटर जो पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं वो ऑफिसर आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट भी करते हैं। सो जो कमेंसमेंट मीन्स रिस्क स्टार्ट होने की जो डेट है वो, या डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। रिवाइवल क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा है और आप कुछ टाइम बाद उसको रिवाइव कराते हैं पेमेंट देके, तो या उस डेट से, या फिर राइडर ऑफ द पॉलिसी मीन्स आपने जो कोई राइडर लिया, लाइक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, कैंसर का कोई राइडर लिया है, ऐसा कोई भी राइडर आपने पॉलिसी में अटैच कराया है, तो या उस डेट से। इन 4 डेट्स में जो भी सबसे बाद की डेट है, उस डेट के बाद से 3 साल तक कंपनी के पास अधिकार है आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर रिजेक्ट करती है आपकी पॉलिसी को 3 साल के अंदर, तो उनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि किस रीजन के लिए, किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, या कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी डिटेल्स पे उनको डाउट हुआ है और तब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिसी लेने के 1 या 2 साल में जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है या क्लेम आ जाता है, तो उस केस में जो बेनिफिशियरी है मीन्स नॉमिनी होता है पॉलिसी में, उसको कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और वो पॉलिसी को किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अगर बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को लगता है कि ये डिसीजन गलत है या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो करेक्ट थी, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिशियरी या नॉमिनी की ही बनेगी कि वो कंपनी को प्रूव करे कि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो किस रीजन से दी गई है, नोइंगली ऐसा हुआ है, जानबूझ के ऐसा हुआ है या अनजाने में ऐसा हुआ है। नॉमिनी क्या होता है कि जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो भी इंश्योरेंस आप लेते हैं, वहां पे एक ऐसे पर्सन का नाम आपको लिखना होता है कि अगर कल की डेट में जो पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी खरीदता है या जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको कुछ हो जाए तो जो उसका रिटर्न है या इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेनिफिट हैं वो किसको दिए जाए, तो उस आदमी को नॉमिनी कहते हैं। नहीं, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि पॉलिसी को अफेक्ट कर सकते थे, या जो रिस्क कंपनी ने एक्सेप्ट किया है उसको अफेक्ट कर सकते थे, सो ऐसे फैक्ट्स को आपने जानबूझ के छिपाया है या फिर बताया ही नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपने गलत तरीके से बताया है या उसको दबाने की कोशिश की है। जितने भी मैंने फ्रॉड एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सिर्फ पॉलिसी होल्डर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो अगर एजेंट के थ्रू आप किसी पॉलिसी को खरीदते हैं तो एजेंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो एजेंट या पॉलिसी होल्डर कोई भी फ्रॉड करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, या पॉलिसी होल्डर की तरफ से होता है या एजेंट की तरफ से होता है, ये सब इंक्लूडेड होगा। सो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी होल्डर कल क्लेम करे कि मैंने सारी डिटेल्स अपने एजेंट को बताई थी बट एजेंट ने नहीं लिखी, सो उस केस में भी ये फ्रॉड माना जाएगा। ये एजेंट के बेसिस पे फ्रॉड माना जाएगा, एजेंट की तरफ से, कि उसने वो डिटेल्स छिपाई या जानबूझ के कंपनी के फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं की। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखे। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप कोशिश करें कि फॉर्म को खुद से भरे, सारे डिटेल्स खुद से मेंशन करें ताकि कुछ भी मिसमैच ना हो। जब भी इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि फ्रॉड का केस नहीं है लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दबाया गया है, छिपाया गया है जानबूझकर, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है जब भी पॉलिसी बाय की गई, तो
तो कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि वो आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दे, बट रिजेक्ट करने के साथ साथ उसको जितने भी प्रीमियम उस टाइम तक, उस तारीख तक पॉलिसी होल्डर ने पे किए हैं, वो सारे प्रीमियम्स पॉलिसी होल्डर को लौटाने होते हैं, और ये करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ 90 दिन का टाइम होता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है, तो उस केस में नॉमिनी को या बेनिफिशियरी को वापस किए जाएंगे। पॉलिसी होल्डर को भी चांस दिया जाता है कि अगर कंपनी ये बोलती है कि आपने ये डिटेल छिपाई है और इसका डायरेक्ट लिंक है, यह जो पॉलिसी आपने बाय की है उससे जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है उस डिटेल का जो आपने जानबूझ के छिपाई है। अगर पॉलिसी होल्डर या जो इंश्योर्ड पर्सन है जो जो पॉलिसी खरीदता है वो ये प्रूव करे कंपनी को कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जानबूझकर नहीं छिपाई गई है या ये मेरी नॉलेज में नहीं थी, तो उस केस में पॉलिसी रिजेक्ट होने से बच सकती है। पर ये सब प्रूव करना पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होती है। कंपनी को कभी भी लगता है कि आपका जो एज है वो मिसमैच है या उनको कोई भी प्रूफ चाहिए आपकी एज का, तो वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है और आपको अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको लगता है कि जो एज प्रूफ आपने पॉलिसी खरीदते हुए दिया है और जो अभी आप दे रहे हैं या जो उनको पता चला है कि आपका एज का डिफरेंस है, सो इस केस में पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो चेंज हो सकते हैं, जो भी प्रीमियम डिसाइड किया गया होगा एज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। कि जो भी एज प्रूफ दे वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एज डिफरेंस या एज के ऊपर क्वेश्चंस की बात आती है, वहाँ पे सेक्शन 45 एप्लीकेबल नहीं है, तो कंपनी को अगर 3 साल के बाद भी लगता है कि आपका एज डिफरेंस था या जो प्रूफ आपने दिया वो ठीक नहीं है, तो भी वो एज प्रूफ की डिमांड कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि आपको और नई वीडियोस चाहिए और अपडेटेड वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंचे हैं, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, बिकॉज आई एम श्योर कि जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो उसी टाइम से आप या विद इन 3 टू 5 ईयर्स आप कोई ना कोई इंश्योरेंस जरूर बाय कर लेते हो, खरीद लेते हो, या आपके पेरेंट्स आपके लिए इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। तो उस केस में जरूरी है कि ये सारी डिटेल्स आपको पता हो। सो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, बाय।